हेलो दोस्तों, एन जस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और क्लास नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा क्लास नंबर 19 है, ठीक है। डीपीटी जो देख रहे हैं डेली प्रैक्टिस टेस्ट में 5 क्वेश्चन डेली यहाँ पर देखते हैं साइंस का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। अगर आप डेली 5 क्वेश्चन लगाते हैं, आप देखिएगा कुछ दिन बाद आपको जो है साइंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो आपको जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पकड़ मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका क्लास नंबर 19 यहाँ पर होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी कार की गति, ठीक है, यहाँ पर दिया 54 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। कार की गति पहले क्या था, V1 ये था, उसके बाद से कितना हो जाता है, V2 आपका 90 हो जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा के अनुपात जो है, गतिज ऊर्जा के अनुपात बढ़ जाएगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा के अनुपात कितना बढ़ जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है ½mv² ये होता है ½mv². अब देखिए केवल गतिज ऊर्जा की इसका कह रहा है और आपको यहाँ पे स्पीड दिया गया है, तो केवल स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को लेकर यहाँ पे देखेंगे। बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, ½m ये आपका नियत हो जाएगा, यानी कि ½m जो होगा ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो इसको नहीं रखना है, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको फर्स्ट बाई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड हो जाएगा। ये किसका बराबर हो जाएगा, V1² / V2² ये हो जाएगा, V1² / V2². उसके बाद से क्या करेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। और V1² कितना है, देखिए V1 आपका 54 है, यानी कि 54² / ये कितना हो जाएगा, V2² यानी कि 90² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 54² / 90². अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाई काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 54 × ये हो जाएगा 54 / ये हो जाएगा 19 × 90, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आप सब सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा 9/25, ठीक है, कट पिट के आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी सॉल्व करेंगे तो 9/25 आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 9/25। तो कितना रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, 9/25, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे 54 × 54/90 × 90, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 9/25 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9/25, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था तो आपको स्पीड कह रहा, पहले स्पीड जितना था फिर बाद में बढ़ाकर 90 हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात बढ़ जाएगा। कितना अनुपात बढ़ जाएगा, 9/25 के अनुपात से ये बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये साइंस से जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। गलती से यहाँ पर, मतलब गलती से नहीं, इसको जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन PDF में यहाँ पर दे दिया गया, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। आगे से जो है इसको, इसका जो है अलग से PDF और अलग से क्लासेस को कराएंगे, लेकिन यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दे दिया गया है इस क्लास में। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ बताना है कि करना किसी संग्राहक को माध्यम समांतर डिस्क को पाठन रीडिंग एवं लेखक राइटिंग के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें होता है, जैसे डिफरेंक करना, ठीक है, डिफरेंक करना, मैप करना, फॉर्मेट करना, बूट करना, तो किस में होता है, तो ये कितना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट करना यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो फॉर्मेट करना किसी संग्राहक माध्यम समांतर डिस्क को पठन रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना है, ठीक है। जो फॉर्मेट करना होता है ये आपका क्या होता है, डिस्क को पठन और रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना होता है, उसको यहाँ पे आपका आंसर, वहाँ जो आपको खाली स्थान बताना था तो फॉर्मेट वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था, हम अलग से कोशिश करेंगे इसका अलग से क्लास हो, ठीक है, अलग से इसका क्वेश्चन हो। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आ गया है तो इसको यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, बाकी जो है हम अलग से कराएंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन का देखेंगे, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे वो आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलन का उदाहरण है, ठीक है, प्रथम श्रेणी। देखिए ये क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछता है, ठीक है, जब भी आप ALP का एग्जाम देंगे तो उसमें ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी का जो है कौन सा उत्तोलक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका कैंची, जो कैंची हो जाएगा ये आपका प्रथम श्रेणी का, और यहाँ पे एक पहिए का ठेला ये क्या हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का होता है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक यहाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पे चिमटी ये आपका तृतीय श्रेणी का होता है, ठीक है,
ये आपका होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। यहाँ पे ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। सरौता क्या होता है, ये भी आपका द्वितीय श्रेणी का होता है, ठीक है। ये भी आपका, ये भी द्वितीय श्रेणी, ये भी द्वितीय श्रेणी सरौता, ठीक है। और यहाँ पे एक पहिए का ठेला द्वितीय श्रेणी, बर्फ उठाने की चिमटी जो होती है ये आपका तृतीय श्रेणी में आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है जो मनुष्य का हाथ है, ठीक है, मनुष्य का यहाँ पे हाथ, ये भी क्या होता है आपका, यहाँ पे जो है ये भी आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप याद रखेंगे। तो ये सब सारे आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी का एक पहिए का ठेला और सरौता ये आपका द्वितीय श्रेणी का होता है, बर्फ उठाने का चिमटी या मनुष्य का हाथ ये सब क्या होता है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। तो इसको भी जानिए, ये भी आपको जो भी एएलपी का एग्जाम होगा उसमें आपका जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पोर्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम क्लास भी लेंगे और आपको जो है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग जितना भी सारे क्वेश्चन हो प्रॉब्लम उसको हम सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध, ठीक है, किसके अलावा, यहाँ पर खाली स्थान बताना है, किसके अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि जो आपका धातु का प्रतिरोध होता है वो घनत्व के अलावा सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है, डेंसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा घनत्व, ठीक है, घनत्व के अलावा जो डेंसिटी होता है इसके अलावा निम्नलिखित सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हीट चैप्टर से पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलित तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में ज्ञात करिए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पे तापमान यहाँ पे दिया गया है थीटा, ठीक है, थीटा वन। अब यहाँ पे ये आधा लीटर दिया गया, यानी L1 जो लीटर है ये L1 के वैल्यू इतना दिया गया, फिर यहाँ पे L2 3.5 लीटर, ये आपका L2 हो जाएगा, ठीक है, L2। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डिग्री, ये 10 डिग्री दिया गया, ये आपका थीटा 2 दिया गया, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए किस पे सॉल्व करना है, जो थीटा मिक्स होगा यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा 1 L1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 2 L2 बाई ये हो जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है। इस फॉर्मूले पर ये सॉल्व होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले पर इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका दिया गया है यहाँ पे इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका जो हम जो है सॉल्यूशन जो नेक्स्ट जो है क्लास में हम इसका देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखिए, तब तक थैंक यू सो मच।